जी हाँ नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमें पता है SSC MTS टीयर वन का रिजल्ट कल आ चुका है और इसका जो सेकंड एग्ज़ाम है यानी कि टीयर टू है वो 24 तारीख होने वाला है। तो अब हम इसी चैनल पर डेली औपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन और ऐसे के रिगार्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं औपचारिक पत्र लेखन का जो फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट अगर आप पढ़ लेंगे हम उसमें कुल आपको 5 पॉइंट बताएंगे। अगर आपने वे 5 पॉइंट याद कर लिए या वे 5 पॉइंट आपके दिमाग में एक बार अंदर चले गए तो ये 5 पॉइंट सभी के लिए रामबाण हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 पॉइंट सभी औपचारिक पत्र लेखन के लिए रामबाण है अगर आप ये 5 पॉइंट याद कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो पेपर होगा 24 तारीख को उसमें ब्लॉक्स होंगे या फिर लाइन होगी, हम इसके रिगार्डिंग भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है औपचारिक पत्र लेखन का, तो हम उस औपचारिक पत्र लेखन का जो फॉर्मेट है वो देखते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, औपचारिक जो पत्र होते हैं वह हम लिखते हैं किसी अखबार के संपादक को, किसी स्कूल को, यानी कि जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उसे हम हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं। तो औपचारिक पत्र में जो सबसे पहले 5 पॉइंटों में जो सबसे पहले आएगा वो पहले है लेखक का पता और दिनांक, यानी कि हम लिखने वाले का पता। तो इसमें जो हम लिखेंगे परीक्षा भवन कह खे गए। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें आपको ना तो अपना गांव या शहर का नाम लिखना है और ना ही आपका खुद का नाम लिखना है। यहाँ पर बिल्कुल यही फॉर्मेट, यानी कि अगर औपचारिक पत्र आ जाता है और पहला जो हमारा पॉइंट है उसमें आपको बिल्कुल हूबहू यही 3 लाइनें लिखनी है। इसमें कोई भी आपको चेंजिंग नहीं करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 की 3 लाइनें अगर आप याद कर लेते हैं तो औपचारिक पत्र का जो पहला पॉइंट है सभी के लिए वो आपको याद हो चुका है। परीक्षा भवन क ख ग और दिनांक 24 नवंबर 2019। अगर मैं आपको बताऊं ब्लॉक आएंगे या लाइन्स, जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें दोस्तों लाइन्स आई थी बिल्कुल इसी तरह। मैं खुद देख रहा था MTS का टीयर टू का एग्ज़ाम, बिल्कुल लाइन्स आई थी, कोई ब्लॉक नहीं आए थे दोस्तों। बहुत बड़ी उस बार हमें चेंज देखने को मिला था कि ब्लॉक नहीं आए थे, बिल्कुल लाइन आई थी। तो आप ब्लॉक बनाकर अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि इस लाइन पर ही अपना जो तैयारी है इस पर जारी रखें। इसके बाद अगर हम देखें तो जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमको लिखना है पत्र प्राप्तकर्ता के पद के प्रति संबोधन, यानी कि हम किसे अपना पत्र भेज रहे हैं। यानी कि अगर किसी अखबार वाले को भेज रहे तो अखबार का नाम, स्कूल वाले को भेज रहे स्कूल का नाम। जैसे कि हमने इसमें अखबार का लिया है, सेवा में संपादक महोदय जनहित न्यूज़ दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, औपचारिक पत्र आप दे रहे हैं तो ये सेकंड पॉइंट की ये 4 लाइनें याद कर लें। बस एग्ज़ाम वाले दिन अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो करना है जनहित न्यूज़ की जगह। अगर आपको मेंशन किया हुआ है कि आपको इस न्यूज़पेपर वाले को अपना जो लेटर लिख कर भेजना है तो आप जनहित न्यूज़ की जगह आप उस न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे। अगर आपको स्कूल कॉलेज या किसी ऑफिस के रिगार्डिंग आपको लेटर दिया है तो आप जनहित न्यूज़ की जगह उसका नाम लिख देंगे। यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल हूबहू आपको लिखना है, पहले में कोई चेंज नहीं करना है, बल्कि दूसरे पॉइंट में ये 3री लाइन आपको सिर्फ चेंज करनी है, सिर्फ 2 नाम लिखने हैं। अगर हम इसके बाद तीसरे फॉर्मेट पर चलते हैं, विषय, इसमें होगा विषय। जैसे अगर मैं बता दूं आपको कि अगर आपके 24 तारीख को यह आ जाता है कि किसी समाचार पत्र के संपादक को स्कूल सुरक्षा संबंधी सुझाव बताते हुए पत्र लिखें, तो इसमें जो विषय होगा वो होगा स्कूल सुरक्षा संबंधी सुझाव। या तो विषय आपको बिल्कुल दिया हुआ होगा मेंशन, सिर्फ आपको उसमें विषय आपको लंबा नहीं लिखना है, मात्र 4 या 5 अक्षरों का आपको विषय लिखना है। इससे ज़्यादा अगर आप लिखोगे तो आपके नंबर कटने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ज्यादा तो विषय सिर्फ 4 से 5 अक्षरों का होना चाहिए विषय। विषय आपको बिल्कुल मेंशन होगा उसमें। अगर हम इसके बात करते हैं चौथा पॉइंट के, चौथा पॉइंट हमें शुरुआत करना है श्रीमान जी से और अंत करना है धन्यवाद से। ये जो बीच का फॉर्मेट है, बीच के फॉर्मेट में आपको लिखना है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया समाचार पत्र के संपादक को स्कूल सुरक्षा संबंधी सुझाव बताते हुए पत्र लिखे,
तो इसमें पहले दो लाइनें में आपको आपकी दिक्कत बतानी है, फिर उसके कुछ सुझाव बताने हैं, और फिर आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है। यानी कि हम आप आगे की वीडियो में आपको बताएंगे, इस बार हम लेकर आए हैं औपचारिक पत्र का सिर्फ फॉर्मेट। तो आपको ऐसे चौथा जो पॉइंट होगा वो श्रीमान जी से स्टार्ट करना है और धन्यवाद पर समापन करना है। बीच में आप 6-7 लाइनें जितना आपको बन सके उन 10 मिनट में आपको वो लिखना है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, समापन की, तो इसमें समापन में लिखना है बहुत दिया आपका शुभ चिंतक ए बै स। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना, समापन नहीं लिखना, ये तो मैं आपको पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें भी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, औपचारिक पत्र आ जाए बिल्कुल यही लिखना है। तो अगर हम पांचों पॉइंट की बात करें तो आपको चेंज कहाँ करना है, पहला जो है बिल्कुल हूबहू लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। दूसरा, अगर लिखते हैं सेवा में संपादक महोदय जनहित न्यूज़ दिल्ली, तो इसमें आपको सिर्फ जनहित न्यूज़ की जगह ही आपको जो दिया हुआ मेंशन किया हुआ होगा, अखबार दिया हुआ या स्कूल का नाम दिया, वो चेंज करना है। यानी कि दूसरा भी हूबहू लिखना है, सिर्फ एक अक्षर ही बदलना है। अगर हम इसके बात करते हैं विषय, विषय में सिर्फ आपको 4 से 5 अक्षर लिखने हैं, वो आपको मेंशन हो जाएंगे बिल्कुल। और चौथे में श्रीमान जी और धन्यवाद तो लिखना ही है, साथ में आपको 6 से 7 लाइनों का जो मैटर होगा ये सबसे अहम मैटर होगा। इसमें आपकी राइटिंग देखी जाएगी, इसमें आपकी इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी कि आप इसमें अपने अक्षरों को किस तरह सुशोधित कर सकते हैं, कौन से अलंकार से कर सकते हैं। मतलब कि आपको ग्रामेटिकली एरर पता होनी चाहिए, कौन सी मात्रा कहाँ आनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग श्रीमान जी और धन्यवाद के बीच में जो 6 से 7 लाइनें हैं इसमें आपका सबसे ज़्यादा मेन फैक्ट फोकस होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें समापन, तो ये भी बिल्कुल हूबहू लिखना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। यानी कि अगर हम बात करें तो सिर्फ आपको चौथे पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना है कि इसमें आपको क्या करना है औपचारिक पत्र में। सिर्फ जो फोर्थ पॉइंट है इसको आपको खुद बनाना है, लेकिन हम धीरे धीरे जो 2000 पिछले 3 सालों से लगातार जितने भी पेपर हो रहे हैं हम आपको उसमें बता देंगे कि किस में क्या आया है, पिछली बार कितने आए थे। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था पिछली बारी जब ये 2018 के स्टार्टिंग में हुआ था, तो मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है Tier 2 का। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को हर जगह शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।